नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी सही दिशा में। तो स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कहता है कि सफलता और असफलता तो शब्द मात्र है, असली मजा तो काम का होता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि आप सफलता की चाह ना रखें, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका कहने का बस ये मतलब है, जब आपको जो कार्य है उसके करने के प्रोसेस में जब आप उस प्रोसेस का जब आनंद उठाएंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा और आपके लिए उस वक्त सफलता प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। वो क्या करना है, जो आप कर रहे हो उसको एंजॉय करना है, लर्निंग प्रोसेस को सीखना है, सीखने के प्रोसेस को एंजॉय करना है। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि वेयर हैज द 4 डे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस एंटी टेरर मीट 2022 स्टार्टेड। 4 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन 2022 की आतंकवादी विरोधी बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है ताशकंद में, बी न्यू दिल्ली, सी लाहौर या डी अल्माटी। तो जान लेते हैं पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में हो रहा है क्या, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एनी टेरर मीट 2022। जानते हैं इसके बारे में और। तो ये 4 दिवसीय ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नाम क्या है, SCO डैट्स, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर और डैट्स। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर या डैट्स इसका नाम दिया गया है। अब SCO में कौन कौन से देश हैं? SCO शंघाई कॉपरेशन में है रसिया, चाइना, शंघाई चाइना में ही है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, SCO रैट्स कहाँ पर बेस्ट है? SCO रैट्स जो बेस्ट है वो ताशकंद में बेस्ट है और इसका काम यही है कि देशों को मिलके हमें क्या करना है, टेररिज्म को काउंटर करना है, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करना है। ठीक है, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सब जो चीज़ें हैं जो एंटी नेशन, एंटी सोशल एलिमेंट्स बेसिकली कह सकते हैं, पूरे समाज के लिए घातक है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये बनाए गए हैं। ओके, और भारत जो है फिलहाल जो है इसका अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन है, यानी भारत किसी देश को चेयरमैन बनाया जाता है तो भारत इसका भी SCO रैट्स का चेयरमैन है। SCO की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है बीजिंग में। तो SCO में 2017 में भारत और पाकिस्तान को ऐड किया गया था। ओके, तो उसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 2, ये कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर टू बैंक ऑफ इंग्लैंड मॉनिटरी पैनल। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मौद्रिक पैनल के बाहरी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए डॉक्टर स्वाति ढींगरा, बी हुई बिल, सी एंड्रयू बेली या डी रीता शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वाति ढींगरा। ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वाति ढींगरा जो है वो भारतीय मूल की हैं और वो क्या है, वो एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, स्पेशलाइजेशन है इनकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में और अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, तो ये भारतीय मूल की हैं और भारतीय मूल में ऐसा, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य बनने वाली ये पहली भारतीय मूल की लेडीज हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड में कौन कौन आते हैं, गवर्नर आते हैं, 3 डिप्टी गवर्नर आते हैं, 1 मेंबर ऑफ बैंक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरी पॉलिसी, एक मॉनिटरी पॉलिसी के लिए उस तरह से आते हैं और 4 एक्सटर्नल मेंबर्स आते हैं जिनमें से एक में इनका सिलेक्शन किया गया है और इन्हें अपॉइंट किया जाता है चांसलर के द्वारा। ओके, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड वही हो गया जिससे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सभी बैंकों का एक क्या बोलते हैं, एक पैरेंट है, मतलब सारी भी बैंकें जो है वो RBI के थ्रू गवर्न होती हैं भारत में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या नेशनल बैंक हो, उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो RBI होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। ओके, वही सारे रेट्स वगैरह दर जो भी CRR, RRR, रिजर्व रेपो रेट, वो रिजर्व बैंक जो है डिक्लेयर करती है। उसी तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड वहाँ की जो मेन सेंट्रल बैंक जिसे कहते हैं वो है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कि हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए जीन कास्ट्रेक्स, बी एडिथ एक्रेसन, सी एलिजाबेथ बॉर्ने या डी मैनुअल वॉल्स। सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एलिजाबेथ बॉर्न। जी हाँ, एलिजाबेथ बॉर्न, इन्हें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और पहले ये क्या थी, जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की सरकार में ही पहले ये लेबर मिनिस्टर थी, यानी कि और इस पोजीशन पर आने वाली, यानी कि फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला है। पहली महिला कौन थी, एडिथ क्रेसन थी, 1991 में फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इन्होंने फिलहाल अभी रिप्लेस किया है जीन कास्टेक्स को और फ्रांस में जो इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने दोबारा सत्ता हासिल की है। ओके,
आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 4, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टअप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज डेवलप्ड हेलिकल नैनोबोट दैट कैन डीप क्लीन टीथ। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने पेचदार नैनोबोटिक्स विकसित किए हैं जो दांतों को गहराई में साफ कर सकते हैं? ऑप्शन है ए मिक, बी सिमरियो, सी थेरानाइटिस या डी पॉलीमर्स लाइफ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी थेरामोनाइटिस। ये है क्या, एक स्टार्टअप है जो कि आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा आईआईएससी बेंगलोर के अंदर ही शुरू किया गया है। इसका काम यही है नैनोबोट्स को बनाना, नैनोबोट्स में बहुत छोटे छोटे रोबोट्स को बनाना और इनको जो है मैनिपुलेट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ये इस तरह के एक हेलिकल तरह के नैनो बोट्स होते हैं और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के से कोट किए जाते हैं। इसमें आयरन का भी, आयरन पर मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कोट करके बनाया जाता है। और ये जो लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स वो चीज़ होती है बेसिकली कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की नापने की क्षमता, किसी पॉइंट कितना मैग्नेटिक फोर्स है वो नापने की क्षमता होती है। और मैग्नेटिक फील्ड ही के थ्रू ही जो इसको है डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है और उसके थ्रू इस डिवाइस को दूर से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर आएंगे। सवाल संख्या 5, ये कहता है कि हु टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 रिलीज बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा जारी उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की सूची 2022 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी नेमार, सी लियोनल मेसी या डी लेब्रॉन जेम्स। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लियोनल मेसी। महान फुटबॉलर लियोनल मेसी कहाँ, ये अर्जेंटीना के हैं और इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। इनकी इनकम है लगभग 130 मिलियन डॉलर। ओके 58% ऑफ इनकी जो इनकम है कहाँ, कब से कब तक आई, मई 2021 से मई 2022 के बीच में आई है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इनका प्राइज मनी होता है, इनकी सैलरीज होते हैं, इनके बोनसेस होते हैं और एड कैंपेंस करते हैं। तो इस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टी है वो हाईएस्ट है जितने भी एथलीट्स जितने भी खिलाड़ी हैं विश्व भर में। ओके और हाल ही में जो है कुछ समय पहले ये इन्होंने पेरिस सेंट जर्मन नाम का नई नई टीम को ज्वाइन किया था और बार्सिलोना का छोड़ दिया था। ठीक है, बस पिछले साल की बात है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 6, ये कहता है कि हसन शेख मोहम्मद हैज बिकम द 10th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हसन शेख मोहम्मद किस देश के 10वें राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है सोमालिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी केनिया या डी इथियोपिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोमालिया। तो सोमालिया के ही जो 10वें प्रेसिडेंट बने कौन बने, हसन शेख मोहम्मद। ठीक है, इन्होंने हराया किन्हें, मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद पडमिको को हराया। ठीक है, और ये पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2012-2017 तक में और पहले ऐसे लीडर हैं सोमालिया के जिन्हें 2 बार चुना गया है। ठीक है, ये हैं हसन शेख हसन महमूद। और सोमालिया कहाँ, यहाँ देखो अफ्रीका में, कीनिया के पास, अफ्रीका के एकदम ईस्टर्न साइड में, थोड़ा सा नॉर्थ के नीचे कीनिया, तंजानिया, इथियोपिया, इसके पड़ोसी देश है। ओके आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 7, ये कहता है कि वेयर हैज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज इनॉग्रेटेड एन इंडियन जमैकन फ्रेंडशिप गार्डन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए पोर्टमोर, बी किंगस्टन, सी मोंटेगो या डी पोर्ट एंटोनियो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी किंगस्टन। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है ये जमैका के दौरे पर हैं और यहीं पे उन्होंने किंगस्टन में यहाँ पे इंडियन जमैका फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया है, पोप्स गार्डन जमैका में। और यहाँ पे उन्होंने सैपलिंग लगाया, मतलब छोटा सा पौधा भी लगाया है। और यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने इनॉग्रेट किया डॉक्टर अम्बेडकर एवेन्यू डाउनटाउन किंगस्टन। ठीक है, और तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्वेश्चन संख्या 8, ये कहता है कि एना काबले दुबे ऑफ विच कंट्री हैज बीन क्राउन्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स। किस देश की अन्ना काबले दुआ को विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज पहनाया गया है, मतलब सर्वश्रेष्ठ नर्स का ताज पहनाया गया है अन्ना काबले दुआ को और किस देश की है, ऐसा सवाल है। ऑप्शन है ए लिबिया, बी सूडान, सी नाइजीरिया या डी केनिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केनिया। तो केनिया की हैं और इन्हें बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड सेरेमनी हुआ था दुबई में और 6 वुमेन को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंडिया से भी एक थी, यूए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, केनिया एंड यूएस। तो इन जगहों से जो नर्सेस थे उन्हें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये जो है अपने गांव में ओनली फीमेल ग्रेजुएट है तो उस गांव की स्थिति ठीक नहीं रही होगी, उस स्थिति में उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है और इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, इनका अपना एक फाउंडेशन है, मतलब तो एक एनजीओ है, यहाँ पे इनका एक स्कूल भी चलता है जहाँ पे बच्चों को और अडल्ट को भी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, ये कहता है कि विच टू इंडिजीनियस वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी हैव बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह।
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के किन दो स्वदेशी बुद्धिबोधों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए INS सूरत एंड INS उदयगिरी, बी INS मैगजीन एंड INS कोचि, INS हुगली एंड INS शिवाजी, या डी INS विशाल एंड INS कोलकाता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए INS सूरत एंड INS उदयगिरी। तो INS सूरत क्या है, प्रोजेक्ट 15B जिसका एक और नाम भी है हम जानेंगे अभी, और उदयगिरी जिसका प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट इसका के थ्रू इनके उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? मैगजोन डॉक्स मुंबई में। ठीक है, मैगजोन डॉक्स मुंबई में उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उनके द्वारा किया गया है। तो सूरत जो INS सूरत है, जो फोर्थ शिप किसका है, प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर से, जो जिसका काम यही होता है कि एक तरह के गाइडेड मिसाइल्स की एक श्रेणी है। ठीक है, गाइडेड मिसाइल्स की एक श्रेणी है, और इसका एक दूसरा नाम भी है विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, उसी तरह उदयगिरी जो है वो कहाँ पे, वो आंध्र प्रदेश की एक जगह है, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, मतलब उदयगिरी माउंटेन रेंज है आंध्र प्रदेश में। और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स जो युद्धपोतों की जो एक सीरीज है 17A जिसका भी नाम है, उसका ये सदस्य अब बन चुका है उदयगिरी, INS उदयगिरी। ओके, और ये भी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है, और ये भी काम बन रहा है मेजोगन डॉक शिप बिल्डर्स में बन रहा है। ओके, यानी कि गाइडेड मिसाइल्स इनके थ्रू लॉन्च किया जा सकता है युद्ध पोतों के थ्रू। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो डिफेंस के क्षेत्र में इस तरह की जो खबरें बनती हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप जो करंट अफेयर्स है उसको आप डेली फॉलो कर रहे होगे, डेली पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे, एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ के आगे बढ़ रहे होगे। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो करंट अफेयर है वो RRB ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। RRB ग्रुप डी में अक्सर 11-12 नंबर करंट अफेयर पूछे जाते हैं, और जिसमें से जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो पूछा जाता है अक्सर बुक्स एंड ऑथर्स से। ठीक है, और इस तरह की जो स्पोर्ट्स कैटेगरी से और अवार्ड्स से। तो अगर आपको सेक्शन वाइज कैटेगरी वाइज करंट अफेयर को पढ़ना है तो आप सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जो करंट अफेयर है कैटेगरी वाइज भी प्रधान मिल वहाँ पे आप मिल सकता है। तो अगर आपको बहुत रिसेंट कुछ करंट अफेयर्स पढ़ना ही है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स को वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स को मंथ वाइज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो RRB ग्रुप डी की वीडियो सीरीज भी चल रही है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट वाइज, और उससे रिलेटेड अन्य कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो RRB ग्रुप डी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो करें, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे, और साथ ही साथ जो है इन क्वेश्चंस की आप अभ्यास करें मॉक टेस्ट लगा के सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे। ओके, इन सब चीजों की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 10, ये कहता है कि रिसेंटली रामगढ़ विषधरी सेंचुरी हैज बी नोटिफाइड एज 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, वेयर इज इट लोकेटेड? हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहारखंड, छत्तीसगढ़, या डी राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो रामगढ़ विषधरी सेंचुरी है राजस्थान में, और राजस्थान में यह चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पहले टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, रामथंबोर, सरिस्का एंड मुकुटरा। अब किसी भी जगह को ये जो रिकॉग्निशन है टाइगर रिजर्व का वो किसके द्वारा मिलता है, वो मिलता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, NTCA के द्वारा। ठीक है, इसी ने रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया है, कौन सा, 52वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, और तो टाइगर रिजर्व किसके थ्रू मनाया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू मनाया जाता है, जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था, टाइगर्स की संख्या घट रही थी उसी को देखते हुए। तो ये पर्यावरण संबंधी न्यूज है, कई एग्जाम में पर्यावरण संबंधी न्यूजों की संख्या बढ़ गई, तो ऐसी न्यूजों को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, इनके बारे में अन्य जानकारियों को भी जुटाने का प्रयास करें। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट में लिखिए आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह की वीडियो सीरीजेस चाहते हैं, जैसे कि RRB ग्रुप की वीडियो सीरीज जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें सरकारी परीक्षा का, इससे क्या होगा जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे, जय हिंद, थैंक यू।